मनारा चोपड़ा कंफ्यूज थी। कंफ्यूज होने के बाद एक कदम उठाया अपने ड्रेस को लेकर। एक कदम ये था जो कि मनारा ने बदल ही लिया ड्रेस से, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़। तभी जब मनारा की ये चीज़ें बाथरूम एरिया में चल रही थी, तो एक और चीज़ मुनावर फारूक के अंदर चल रही थी। मुनावर की ये चीज़ देखना कहीं ना कहीं मनारा को थप्पड़ है, क्योंकि मनारा ने काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाई थी कि मुनावर पर। खानजादी को भी थप्पड़ है, क्योंकि खानजादी ने भी उंगलियां उठाई थी कि ये लीडर नहीं है, सब इसकी सुनते हैं, सब इसकी चाटते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ मुनावर की ये चीज़ दिखी है। मुनावर जो है दो रोटियां लिए थे, जहां पर जो नाविद है उनको भी रोटी चाहिए थी, तो मुनावर ने बिना बोले कुछ एक रोटी दे दी, जिसके बाद नाविद ने खा ली। उसके बाद मुनावर ने एक रोटी खाकर अपना पेट भर लिया। रिंकू को जैसे ही पता चला, रिंकू बोली अब तो बस दो ही रोटियां बाकी है, मैंने खा ली, अब क्या करूं, तुम्हें चाहिए क्या? जहां मुनावर बोलते नहीं, क्यों बोलते नहीं, क्योंकि मनारा अभी खानी है और मनारा के लिए अभी टू एंड हाफ रोटी ही है। वही मनारा जो है बाथरूम एरिया में थी, जहां बाथरूम एरिया में मनारा कपड़ों को लेकर कंफ्यूज थी, जो कि पहले एक ड्रेस उन्होंने पहना था, जिस ड्रेस मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो अभी बदल के उन्होंने ये ड्रेस पहन लिया है। आप पिछली वीडियो देखिए, आपको बताइए मनारा का वो ड्रेस आपको पसंद आया या ये ड्रेस पसंद आया है।